केस देर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन, आई वुड डेफिनेटली सिक्योर सेकेंड और थर्ड प्लेस इन दैट कॉम्पिटिशन. भाई साहब ऐसे कॉम्बिनेशन बनाता कौन है? मैं सोच रहा हूं मैं ही ऐसा ऐसा कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करूं, वियर्ड फूड मेकिंग कॉम्पिटिशन. एक तो सुबह सुबह उठ के घर वाले हमसे बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं. बताओ, कल स्कूटर स्टार्ट कराया, आज कपड़े धुलवा रहे हैं, पता नहीं सफाई वाले आंटी कब आएंगे. बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में. होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया. एक तो मम्मी का ये डायलॉग कॉन्स्टेंट रहता है कि तुम घर के मेंबर हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी लेना सीखो. तो ले रहे हम जिम्मेदारी, एक गेड़े के कपड़े धो रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, और कोई बेटर ऑप्शन भी नहीं है अपने पास वैसे. और मजे की बात क्या है, ये जो ये पानी है ना, ये हमने कल डिसाइड करा था कि कपड़े कल धोएंगे. पानी साला गंदा इतना हो गया एक दिन में, देखो बिल्कुल ऐसे पानी से ऐसा पानी बनने में इसको 24 घंटे लगे. इसको देना, इसमें तो मकौड़ा भी तैरता है. कोई नहीं, गिरना पड़ेगी. छोटा सा झरना बन गया. कपड़ों की और शरीर की दोनों ही चीजों की धुलाई हो चुकी है, और अब मेरे को भूख भी लगनी शुरू हो चुकी है क्योंकि 10:30 बज चुके हैं, अब 11 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 11:15. तो चलो बाहर चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं अपने को ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, क्योंकि खुशबू तो कुछ बढ़िया चीज की आ रही है, बाकी वो बाहर जाके पता चलेगा अपने को. तो यहाँ पे कर रही है मम्मी हमारी ब्रेकफास्ट की तैयारी, जिसमें पनीर का परौंठा और साथ में यहाँ पे कड़ी. वाह 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 वाह, आज संडे है तो इस करके इस टाइप का ब्रेकफास्ट बन रहा है. In case there is a competition for weird food combinations, I would definitely secure second or third position in that competition, or even first. भाई साहब ऐसे combination बनाता कौन है? मेरे को भी याद है, एक बार मैंने राजमा के साथ stuffed परौंठा खाया था, वो भी आलू की stuffing वाला. आज मैं कड़ी के साथ stuffed परौंठा खा रहा हूँ, वो भी पनीर की stuffing वाला. जब मैं परौंठा लेके आ रहा था ना, मम्मी भी हंस रहे थे, भी क्या कलाकारियां कर रहा है ये, और साथ में मक्खन भी है. मजे की बात यह है, घर का मक्खन. नेवरदलेस, हम इसको ऐसे जज ही नहीं कर सकते. मैगी में भी कुछ लोग फैंटा डाल के खाते हैं और उनको अच्छी लगती है, तो हम इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता अच्छा लगे. वैसे उम्मीद कम ही है, ये मम्मी को भी बताना है कि मेरे पनीर के परौंठे करो या नॉर्मल परौंठे ही करो. थोड़ा सा मक्खन लगाया, थोड़ी सी कड़ी, बढ़िया बन गया. फिर भी यार नॉट द बेस्ट, बट हाँ कॉम्बिनेशन ठीक है, एडेबल है, एडेबल से तो बढ़िया ही है. बिना मक्खन के कल्ली कड़ी के साथ ज्यादा स्वाद लग रहा है. अब इनको ये कहूंगा पनीर के ही बना दे बाकी के भी. वीड फूड कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया फिर भी. हाँ मैं सोच रहा हूं मैं ही ऐसा कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करूं, वियर्ड फूड मेकिंग कॉम्पिटिशन. सवा घंटे की क्या बढ़िया नींद सोया मैं खाना खाने के बाद. लेजिट ऐसी लिट्टे लिट्टे सो गया मैं. मैंने टी शर्ट चेंज करी, इस वाली से वाइट वाली टी शर्ट में आया, वो हल्का चुभ रही थी, और रजाई के ऊपर ही सो गया मैं फोन पे काम करते करते. अभी भी उठने का प्लान नहीं था, बट एसी की सर्विस के लिए भैया जी आ चुके हैं, तो बाहर चलते हैं. मेरे कमरे की एसी की तो हो चुकी है सर्विस, बाकी दोनों कमरों की एसी की देती है, तो उनकी सर्विस कराते हैं. ऐसे मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था आज अंकल आ जाएंगे, आज संडे है ना क्योंकि, बट आगे बढ़िया अपना आज ही काम निपट जाएगा एसी का भी सारा, फिर एसी चलाएंगे गर्मी आएगी.
इस वाले आउटडोर को करना थोड़ा सा औखा है क्योंकि ये ना रूम के ऊपर है। बाकी ये वाला तो हो जाएगा, बट यहाँ हो जाएगा, बट इस वाले में दिक्कत क्या है, इस वाले के यहाँ पे सोफा कम बेड और चेयर्स वगैरह पड़ी हुई है। देखते बस होप से गिल्ला ना हो। अब पता तक अंदर चल कर ट्राइपॉड ले आते जब तक अंकल जी यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं। ये वाला इसी भी चल पड़ा। वो भी डर के बाहर निकल आई, सोच रही है क्या कयामत आ गई इसकी वाइब्रेशन करके। अभी इस मशीन में कोई दिक्कत आ गई है तो उस करके काम रोकना पड़ रहा है। अब दोबारा बात कल पे गई है। चलो कोई ना, अब ये जो एसी डिसअसेंबल करे इसको असेंबल भी कर लेते हैं। वहाँ पे अंकल जी फिल्टर साफ कर रहे हैं। सही बात बताऊँ, धीरे धीरे ना होप छूटने लगे भी यहाँ हमारे एसी की सर्विस हो भी जाएगी। एटलीस्ट मेरे कमरे का तो चल रहा है कम से कम, बट बाकी दोनों कमरों की भी हो जानी चाहिए, नहीं तो सारे यहीं बैठा करा करेंगे। चलो कोई ना, भैया ने अब कल कहा है, होप सो कल हो जाए। जिस भी दिन एसी की सर्विस होगी ना, चाहे अच्छे से अच्छा टाइटल मिल जाए, टाइटल यही रखूंगा, फाइनली एसी की सर्विस होगी। और आज शायद से शाम में मेरे कजन्स के भी आने का है, क्योंकि आज संडे है, या हमारे जाने का होएगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो थोड़ी थोड़ी नींद और लपेटते हैं, क्योंकि अभी 2:30 बजे हैं, आधे पौने घंटे की और नींद लपेटते हैं, फिर उठते हैं, उठ के तैयार श्यार होते हैं, शाम की तैयारियां करते हैं, फिर ही मिलते हैं तुम लोगों से। 2-3 घंटे और सोने दो यार, नींद आ रही है खाने के बाद। उम्मीद तो मेरे को कल की थी, बट ना आई वॉज रॉन्ग। जैसे ही मैं सोने गया, वैसे ही भैया जी आगे एक नया पंप लेके, वहां पे देख लो, कह रहे हैं आज का काम है, आज ही कंप्लीट होएगा। तो अपन लोग भी फटफट बाहर चलते हैं, बस अब फाइनली हो जाए, बस यही प्रेयर है, इस ज़्यादा और कोई प्रेयर नहीं है। अब तो खैर ब्रेक चल रहा है, जब तक ब्रेक चल रहा है तब तक अपन तो अंदर ही बैठते हैं। ये देखो यार, ये नवी मशीन देख कितना अच्छा लग रहा है ना इसको। एक बार फिर से एसी का खुलना शुरू हो चुका है, आज के दिन में दूसरी बार। बस होप सो अब ये ठीक हो के ही बंद हो, क्यों भैया? उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। वन डाउन, सेकंड टू गो। तो अभी मैं, मम्मा और दीदी आए हैं सेक्टर 7 पंचकुला। मैं तो पहुंच गया, मम्मी दीदी पता नहीं कहाँ रह गए कहाँ नहीं रह गए, क्योंकि वो एक्टिवा पे थे, भले ही मैं पुंडी पे था लेकिन पहले पहुंच गया। यहाँ पे हम कुछ चढ़ने आए हैं क्योंकि हर किसी को क्रेविंग तो गंदी गंदी सी हो ही रही है। तो मम्मी और दीदी एज यूजल गोलगप्पे खाएंगे यहाँ पे, मेरा आइडिया नहीं, मैं शायद से बर्गर ही खाऊंगा। और यार इस कैफे में भी जाके आना, बस कभी मौका ही नहीं लग रहा। जिस दिन मौका लगेगा किस दिन इस कैफे को भी कवर करेंगे। और तो मम्मी दीदी की वेट करते हैं, वो आते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, सारे पैसे उन्हीं के पास ही हैं। आई एम ब्रोक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम लिटरली ब्रोक। मेरे को एक्सपेक्टेड था यहाँ पे बर्गर वाले भैया होंगे, बट मेरे को तो कहीं दूर दूर तक बर्गर वाले भैया दिख ही नहीं रहे। मोमोज वाले भैया ज़रूर हैं, बट बर्गर वाले कहाँ गए यार? बर्गर खाने का मन था, ये ज़रूर है, लेकिन वो नहीं। बर्गर तो मिला नहीं, बट चलो कोई ना, इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी हमने स्नैक्स वगैरह और यहाँ से उठा लिए हैं,
जब शाम में कजन्स के आने का भी पक्का है, अभी फोन आ चुका है उनका, तो तब तक अपा ये पेलते हैं आराम से मैं और दीदी। फाइनली अभी जो है हम लोग घर वापस आ चुके हैं और घर आते सबसे पहला काम एक ठंडा गिलास पानी का। मजा आ गया। वैसे सैंडविच ठीक था, लेकिन जितने का सैंडविच था उतने में अपना पता नहीं कितने बर्गर खा जाते हैं। फोन टेढ़ा की हुआ सीधा करते हैं। तो अब ऑलमोस्ट शाम के 6:30 बज चुके हैं, हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं बचा, आप लोगों के पास देखने को कुछ नहीं बचा। इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूं तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नवी चेंजिंग रूम एक नवी एक्सपीरियंस के साथ। बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल। और हाँ, अगर इसके बाद कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा वो कल के ब्लॉग में आ जाएगा। आज का ब्लॉग यहीं तक। बाय बाय, लव यू ऑल।